अगर हम ऐसा कहें कि 3,000 रुपये में मात्र आपको एक पिस्टल मिल जाएगी और 10,000 रुपये में आपको एक अच्छी खासी AK-47। ठहरिए ठहरिए, हम कोई आपको वीपन और राइफल या बंदूक खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं। हम तो उस घटना से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो दर्रा आदम खेल जो पाकिस्तान में पड़ता पश्चिमी उत्तर में, वहाँ पे दिन दहाड़े सरेआम ही इस तरह से हथियार को बेचे जाते हैं, जिसके बारे में आप जानकर बहुत ही हैरान रह जाएंगे। 67 वर्षीय दुकान के मालिक कहते हैं कि हम यह सब तब से कर रहे हैं जब से अंग्रेज का शासन पूरे भारत में था। मेरे पिता और उनके पिता के भी पिता M60 राइफल की एक स्थानीय प्रतीक खान की दुकान से 30,000 रुपये में, पाकिस्तानी रुपये यानी कि $214 में इसे M60 राइफल को खरीदते थे। अफगानिस्तान में तो तैनात अमेरिकी सैनिक के लिए यह मानक मुद्दा है, और तो स्वचलित AK-47 क्रीन को असाल्ट राइफल AK-47 अपग्रेड बाजार की बेस्ट लेसर, हालांकि इसकी कीमत सिर्फ 10,000 है पाकिस्तानी रुपये में। अगर आपका बजट इससे कम है तो बेसिक पिस्टल आपको सिर्फ 3,000 रुपये में मिल जाएगी। डेरा का बाजार दर्शकों के अस्तित्व में एक कानूनी ग्रे क्षेत्र में फलता फूलता है, जो देश के पूर्व संघीय प्रशासीय जनजातियों में क्षेत्र में फाटा में फैला हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 140 किलोमीटर पश्चिम में दारा आदम खेल बाजार के 2 किलोमीटर के दायरे में दर्जन हथियार कारखाने हैं, जो चीनी पिस्तौल की कच्ची प्रतियों से लेकर अमेरिका निर्मित M60 स्वचलित राइफल, ऑस्ट्रेलियन राइफल की परिष्कृत प्रतिक्रिया सब कुछ बनाते हैं। यह निर्मित हथियारों की सोवियत सेना के खिलाफ पहले अफगान युद्ध और बाद में 2007 के बाद से पाकिस्तान राज्यों के खिलाफ पाकिस्तानी तालिबान की लड़ाई में दोनों की बढ़ावा दिया है। हालांकि यह सब अब बंद होने वाला है, यहाँ पे जितने भी कारखाने लगे हुए हैं बंदूकों के सब बंद होने वाला है।